के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। एमपी दिन भर में आज जो कुछ घटा दिखाएंगे इस बुलेटिन में। मोहन यादव ने भोपाल में कार्यभार संभाल लिया है बतौर मुख्यमंत्री। अधिकारियों ने उनका मंत्रालय में स्वागत किया और उसके बाद मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कई बड़े फैसले लिए। तेज आवाज में लाउड स्पीकर को लेकर सीएम ने पाबंदी लगाने के निर्देश दिए, साथ ही खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने का भी आदेश जारी किया। इसके लिए बाकायदा 15 दिन अभियान चलाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा सीएम ने हर जिले में एक्सीलेंस कॉलेज बनाने की भी घोषणा की है। मध्य प्रदेश में साइबर तहसील बनाई जाएंगी, साथ ही आदतन अपराधियों पर लगाम लगाए जाने के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही रामकृष्ण कुसमारिया को ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भी नियुक्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है। रामकृष्ण कुसमारिया ने पदभार संभाल लिया है। तीन तस्वीरें आज के पूरे दिन के घटनाक्रम से जुड़ी हुई। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना, ये सरकार, भारत सरकार ने भी इसमें दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। इस चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है कि हर जिले के अंदर युवाओं के लिए एक एक्सीलेंस कॉलेज बनाया जाए, जो सभी प्रकार की नई शिक्षा नीति के माध्यम से सभी कोर्स की वो पढ़ाई वहां हो सके। लगभग 52 कॉलेजों का चयन हम कर रहे हैं, अगले सत्र से ही सभी कॉलेज चालू करेंगे, जिसमें सभी प्रकार के कोर्स, अगर वो डिग्री है तो पीजी होंगे, बस की व्यवस्था होगी और प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज के नाम से उनको जाना जाएगा। तो बार बार अपराध करता और छूट जाता, इनके लिए होम डिपार्टमेंट से कहा है तो 437-38-39 के अंतर्गत सीआरपीसी में इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के, तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है, तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे, अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला इसको हम पसंद नहीं करेंगे। और अब बात शपथ ग्रहण कार्यक्रम की। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर मोहन यादव ने शपथ ले ली है, तो वहीं जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। एक रिपोर्ट। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जगदीश देवड़ा अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मध्य प्रदेश में अब मोहन राज आ गया है। मोहन यादव को राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। पीएम मोदी, अमित शाह समेत बीजेपी के बड़े नेता शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव के साथ जगदीश देवड़ा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। मैं जगदीश देवड़ा, मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा। रीवा से विधायक राजेंद्र शुक्ला ने भी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। इस बार प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बनाए गए हैं। भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव सूबे के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले मोहन यादव प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा पिछली सरकार में वित्त मंत्री थे, तो वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला चुनाव से ठीक पहले मंत्री बनाए गए थे। कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी शपथ लेंगे, लेकिन अभी किसी और विधायक ने मंत्री पद की शपथ नहीं ली।
कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल गठन को लेकर मंथन किया जाएगा। जातिगत समीकरण को साधते हुए मंत्रिमंडल गठन की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। मध्य प्रदेश में आज दिग्गजों का जमावड़ा रहा। मौका था मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह का। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत देश भर के बड़े नेता राजधानी भोपाल पहुंचे और भोपाल का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी की गूंज से गुंजायमान हो उठा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी के दिग्गज नेता पहुंचे। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंचे, मोतीलाल नेहरू स्टेडियम मोदी मोदी के नारों से गूंज गया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच पर देश के गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत दिग्गज और बड़े नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोहन यादव की शपथ के साक्षी बने। मोहन यादव की शपथ ग्रहण में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, शिवराज सिंह, वीडी शर्मा, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल समेत दिग्गज नेता आज मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन से भी कई सारे लोग पहुंचे थे। 2024 के लिए मोदी के महारथियों की सेना तैयार हो रही है। महाशपथ से 24 का विजय पथ तैयार होगा, जो फिर से बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता साफ करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और छिंदवाड़ा में कांग्रेस को मिली सफलता से कांग्रेस गदगद है और खासकर सौंसर से पंडोरणा में कांग्रेस को मिली जीत से कमलनाथ काफी उत्साहित हैं। कमलनाथ ने दोनों विधानसभा क्षेत्र में जनता को संबोधित किया और कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए जनता का आभार जताया। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि मैं आखिरी सांस तक जनता के साथ खड़ा हूं। और इस बीच सागर से बड़ी खबर, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। दरअसल हादसे में बाइक सवार बाल बाल बच गया और यह घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक दुर्घटना का मामला सामने आया, ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में हादसे में बाइक सवार शख्स बाल बाल उसकी जान बची, अन्यथा उसकी जान भी जा सकती थी। देखिए तस्वीरें, किस तरह से बाइक सवार को टक्कर मारकर रौनते हुए आगे बढ़ गया और खुशकिस्मत था बाइक सवार जो बच निकला। और छतरपुर से छात्रों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जहां बाइक सवार छात्र की दो अन्य छात्रों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसका एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों आरोपी छात्र बाइक सवार छात्र को एक के बाद एक थप्पड़ से मारे जा रहे हैं और वायरल वीडियो सिविल लाइन थाना इलाके का बताया जा रहा है। रीवा लोकायुक्त पुलिस ने 3 महीने का अतिरिक्त वेतन निकालने के बदले 1500 रुपए की रिश्वत लेते हुए प्रिंसिपल को ट्रैप किया। यह पूरी कार्रवाई लोकायुक्त एसपी गोपाल सिंह धाकड़ के निर्देश पर की गई। एसपी की 12 सदस्यीय टीम ने डबोहरा कस्बे में कार्रवाई की। फिलहाल कार्रवाई जारी है, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षक हैं, जिनका नाम है शेषमणि मिश्रा है, ये जन शिक्षक है, संकुल केंद्र जो है पुनेरा जिला रीवा में है। इनके द्वारा जो है एक रीवा लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत की गई थी कि इनके जो प्रभारी प्राचार्य हैं उनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। जब उनसे कारण जानना चाहा तो जो आरोपी हैं विद्याचरण अहिरवार प्रभारी प्राचार्य हैं, तो इनके द्वारा जो है जब उनकी टीचर की जो वेतन निकलना होता है उसमें उनका उपस्थिति पत्रक लगता है, जब जाके वेतन का आहरण होता है, तो वो 3 महीने से उन्हें रोक रखा हुआ था और उसका उपस्थिति पत्रक जारी नहीं कर रहे थे। इस कारण से संबंधित शिक्षक की जो है वेतन रुकी हुई थी, उसके एवज में निकालने के लिए उन्होंने 3000 रुपए की मांग की थी, जिसमें 1500 रुपए पूर्व में ले लिए थे और 1500 रुपए जो है आज जो है देते हुए रंगो हाथ जो है लोकायुक्त रीवा पुलिस के द्वारा उनको गिरफ्तार किया गया, अभी कार्रवाई जारी है। और एमपी में मिलावटी दूध को लेकर सरकार ने हाईकोर्ट में शपथ पत्र पेश किया। सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में बताया गया कि दूध में मिलावट करने वालों और बिना लाइसेंस के दूध का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आपको बता दें कि जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच की ओर से हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में दूध में जमकर मिलावट हो रही है,
व्यापारी बिना लाइसेंस के ही दूध का व्यापार कर रहे हैं, जबकि नियमों के मुताबिक खाद्य सामग्री बेचने वाले हर व्यापारी को लाइसेंस लेना जरूरी है, लेकिन प्रदेश में लोगों की सेहत से खिलवाड़ हो रहा है। इस पूरे मामले पर हाईकोर्ट ने प्रशासन को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है। प्रस्तुत किया गया और सर्वत्र बताया कि पिछले 5 वर्षों में उन्होंने पूरा ब्यौरा दिया कि पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2000 लोगों को उन्होंने दंडित किया है और जो बगैर लाइसेंस के कर रहे हैं उनके भी कार्रवाई की जा रही है। और साथ ही साथ शपथपत्र में वचन दिया है कि आगे भी यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और किसी भी कंडीशन में बगैर लाइसेंस के दूध बेचने नहीं दिया जाएगा और मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर मिलावटखोर फिर भी इस तरह की हरकत करते हैं, मिलावट करते हैं, तो कोई सजा के लिए भी निर्देश? सजा के निर्देश दिए, उसमें एक्ट में ही प्रावधान दिया गया कि 2 साल तक की सजा का प्रावधान है और सरकार की ओर से दस्तावेज प्रस्तुत किए गए जिसमें बहुत से डेयरी को 2-2 साल की सजा दी गई है, वो दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए गए। और बात सिवनी की, जहां कांग्रेस से राजा बघेल के निकाले जाने के विरोध में समर्थकों ने कांग्रेस दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा किया। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस जिलाध्यक्ष का पुतला जलाया। बता दें कि पार्टी के विरोध में काम करने के आरोप में कांग्रेस ने राजा बघेल को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया है। शिवपुरी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनकी निशानदेही पर पुलिस ने चोरी के 41 बाइक्स बरामद की। आपको बता दें कि शिवपुरी में लगातार हो रही चोरी की घटना से पुलिस परेशान थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। खरगोन में शीतला माता मेले में दुकान लगाने की मांग को लेकर दुकानदारों ने जमकर हंगामा किया और घंटों सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान एक दुकानदार ने आत्मदाह करने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने उसे रोक लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। मुरैना में शातिर चोरों ने एटीएम से लाखों रुपए चोरी कर लिए। चोरी की वारदात का एटीएम के अंदर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाना इसका सबूत बना। दरअसल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। खंडवा में अवैध हथियारों के तस्कर पर पुलिस ने शिकंजा कसा। पुलिस ने 4 आरोपियों को पकड़ा है और इनके पास से 7 पिस्टल, 10 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पकड़े गए 2 आरोपी राजस्थान के जबकि 2 बुरहानपुर के रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर रही है। कोतवाली के बल को मुखबिर से सूचना मिलने पर 2 अपराधी डेर राम और लक्ष्मण सिंह जो राजस्थान के रहने वाले हैं, इनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 7 पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कोतवाली पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है और इनसे पूछताछ की है। खरगोन में पुलिस ने मोबाइल टावर से जनरेटर्स चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ा और इस गिरोह के 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही इनके पास से चोरी के 3 जेनसेट्स भी बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। ये मोबाइल टावरों में लगे जनरेटर चोरी हुए होते थे, जिसमें एक गैंग सक्रिय थी। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मवीर सिंह ने इसमें एक टीम बनाई थी, जिसमें साइबर सेल और थाना प्रभारी मेन गांव के द्वारा टीम ने 7 आरोपियों राउंड अप करके पूछताछ किया। बैतूल के टिमझिरा गांव में एक आर्मी के जवान ने अपने माता पिता की बेरहमी से पिटाई कर दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। माता पिता के अनुसार जब भी आरोपी बेटा प्रभु सिंह घर आता है, पैसे मांगने के बहाने माता पिता की पिटाई करता है और इस बार तो हद ही हो गई।
आरोपी ने पिता की कैंची से गला रेतने की भी कोशिश की। वहीं माता पिता का कहना है कि पुलिस आरोपित आर्मी के जवान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। कैंची से मारा भी आपको? हाँ। क्यों मारा? पैसे होना। क्यों? वो तो कमाते हैं, फिर क्यों पैसे चाहिए? क्या किया? मेरे क्या किया? डंडे डंडे से मारा है, पूछ पूछ के मारा है। और भी कुछ कराया उन्होंने आपके साथ? बाहर बुलाई। क्यों? पानी की वजह। ऐसा क्या? आपने बोला नहीं किसी को? बुलाया नहीं किसी को? कोई नहीं। कोई आने को तैयार नहीं होते हुए उससे धाक में तो डरते हैं इससे। हाँ। क्या नाम है उसका? प्रभु सिंह। क्या करता है वो? आर्मी में है। फिर भी आपको मारता है? हाँ। कहाँ का? बिस्तर में। आई एन ओ भी। और छतरपुर के फुटवारी गांव में जमीनी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। मारपीट में चार महिलाओं समेत करीब एक दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। रतलाम का मेडिकल कॉलेज एक बार फिर सुर्खियों में, और इस बार कॉलेज के डीन की पिटाई का मामला सामने आया, जहां तीन डॉक्टर्स ने मिलकर डीन जितेंद्र गुप्ता की पिटाई कर दी। डीन के आरोप है कि मेडिकल टीचर एसोसिएशन के डॉक्टर प्रवीण बघेल और उनके साथियों ने घर में घुसकर मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने तीनों डॉक्टर्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं दूसरी तरफ मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन ने डीन पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया और डीन को हटाए जाने की मांग की। मेडिकल कॉलेज में बवाल की ये तस्वीरें सामने आई, जहां पर मेडिकल कॉलेज में हंगामा शुरू हो गया। स्टाफ के बीच ही मारपीट और अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाकर डॉक्टर्स के द्वारा डीन के खिलाफ मारपीट की गई और आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग अब की जा रही है। सिंह बघेल आए, उन्होंने धक्का मारा, उनके साथ में डॉक्टर शैलन चौहान भी थे, डॉक्टर शैलन डावर थे, तीन डॉक्टर आए थे, तो मेरे से गाली गलौज करी और मुझे हाथापाई करी, मेरे साथ में झापड़ भी मारी। एनेस्थीसिया विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राहुल मेड़ा की वाइफ की डिलीवरी हुई थी सुबह मॉर्निंग में 9 बजे, सीजरियन सेक्शन, मतलब सीजरियन सेक्शन से ऑपरेशन किया गया, जिसके लिए सुबह से लेके जब तक वो डॉक्टर हमारे दूसरे अस्पताल शिफ्ट नहीं हुए तब तक उनको उनकी डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता एवं उनकी वाइफ के द्वारा प्रताड़ित किया गया। देखिए, मेडिकल कॉलेज के डीन है डॉक्टर जितेंद्र कुमार गुप्ता, उनके द्वारा अभी थाने पर एक शिकायत की है कि उन्हीं की कॉलेज के डॉक्टर प्रवीण बघेल, डॉक्टर शैलन डावर, डॉक्टर शैलन चौहान के द्वारा उनके घर पर आके गाली गलौज की है और उनके साथ मारपीट की है। उनके द्वारा ये शिकायत की गई है, अभी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो मारपीट का ये मामला, आरोपी डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की जा रही है। दरअसल डॉक्टर की पत्नी की डिलीवरी को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ था और इस पूरे मामले में अब आगे की स्थिति क्या होगी ये देखने का विषय। दरअसल प्राइवेट वार्ड में शिफ्टिंग को लेकर विवाद शुरू हुआ था और बात प्रदर्शन तक पहुंच गई। थाने के बाहर प्रदर्शन किया डॉक्टर्स ने। छतरपुर से छात्रों के बीच मारपीट का एक वीडियो सामने आया, जहां पर बाइक पर सवार छात्र की दो अन्य छात्र जमकर पिटाई कर रहे हैं, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्कूल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्रिंसिपल के चैंबर के बाथरूम में लाश मिली। खून से सने लथपथ ये लाश स्कूल के टीचर की थी, हाथ की नस कटी हुई थी। आखिर स्कूल में टीचर के सुसाइड की मिस्ट्री क्या है? एक रिपोर्ट। इसी स्कूल में उस वक्त धड़कंप मच गया जब स्कूल में प्रिंसिपल रूम में खून से लथपथ टीचर की लाश मिली। आखिर मौत की ये मिस्ट्री क्या है?
दमोह के तीजगढ़ थाना इलाके के इमलिया पुलिस चौकी में राजा पटना गांव के सरकारी स्कूल में आशीष भट्ट की लाश मिली। ये सुसाइड का केस था, हाथ की नस काटी गई थी। मंगलवार को स्कूल में एग्जाम था, जब प्रिंसिपल अपने रूम में जा रहे थे तभी चैम्बर के बाथरूम में खून से लथपथ टीचर आशीष भट्ट की लाश देखकर चौंक पड़े। एक चौकी इमलिया के अंतर्गत अभी ये प्रकरण सामने आया है कि उन्होंने हाथ की नस काट कर खुदकुशी कर ली है। ये सुसाइड का एक केस है जिसकी अभी जांच पुलिस ने शुरू की है, क्योंकि अभी मामला अभी का है तो जांच उसमें जो भी आती है इसमें सामने उसमें कार्रवाई करेंगे। आशीष भट्ट कॉमर्स के टीचर थे, आखिर जिंदगी का हिसाब किताब कहां गड़बड़ा गया, क्यों ऐसा खौफनाक कदम उठाया, स्कूल में जान देने के पीछे की वजह क्या है। सीन ऑफ क्राइम में सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें पुलिस की माने तो पारिवारिक विवाद की वजह सामने आ रही है। प्राइमा फेसी बता रहे हैं जैसा कि, चूंकि अभी एक दो घंटे पहले की बात है तो बहुत ज्यादा तो क्लैरिटी नहीं हुई है, लेकिन पारिवारिक विवाद कुछ होने की संभावना अच्छी लग रही है। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में परिवार के बीच जमीनी विवाद की बात सामने आई है, क्या यही विवाद टीचर आशीष की मौत की वजह बना, क्या पारिवारिक वजह ही मौत की वजह है या इस सुसाइड के पीछे का सच कुछ और है। फिलहाल तहकीकात जारी है। दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ये जो पूरा घटनाक्रम दमोह से सामने आया, इस मामले में अभी भी जांच जारी है और मामला आखिर क्या रहा इस पर पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। इन्वेस्टिगेशन में अभी समय लग रहा है। प्रिंसिपल के रूम में मिली लाश के मामले में आखिर कब और कैसे कार्रवाई होगी और इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, ये लगातार एक मिस्ट्री बना हुआ है। आपको बता दें कि सुसाइड नोट का बार बार जिक्र हो रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों में, किन हालातों में ये पूरा घटनाक्रम अंजाम दिया गया, ये भी एक सवाल बना हुआ है। और यहां रुकना, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चल लौटते हैं।